ठीक है, सबसे पहले कि सिंपल सपोर्टेड बीम किसे बोलते हैं हम? सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर आप किसी वॉल पर, ये वॉल है, कॉलम नहीं है, वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, एक एक वॉल यहाँ पे है, इन दोनों वॉल के ऊपर अगर एक बीम हम रखते हैं, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, यस सर, अगर दो वॉल के ऊपर एक बीम रखा हुआ है, वो बीम जो है वॉल से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इस तरह की बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये तो प्रैक्टिकली हो गया, बट अगर आप बुक्स में सिंपल सपोर्टेड बीम देखोगे तो इस तरीके से बनता है वो, एक तरफ सपोर्ट होती है आपके, सॉरी, एक तरफ होती है पिन सपोर्ट, एक तरफ होती है रोलर सपोर्ट। बीम की कुछ लेंथ होती है, एज्यूम कर लेते हैं 5 मीटर ही, एक पॉइंट को बोलते हैं ए, एक को बोलते हैं बी। इस पर कोई लोड लग रहा है सेंटर में 10 किलो न्यूटन, अब इस एक्सटर्नल लोड, ये क्या है, एक्सटर्नल लोड है, ये इस बीम पे लग रहा है, वो भी सेंटर पे, यानी कि यहाँ पे जो स्पेस बचा है, स्पैन, वो है 2.5 मीटर। तो इस लोड की वजह से ए पर एक रिएक्शन जनरेट होगी आर ए, और एक रिएक्शन बी पे जनरेट होगी आर बी। जब किसी बीम पर यूनिफॉर्म लोड हो, यूनिफॉर्म यानी कि सिमेट्रिक लोड हो, अगर बीम को हाफ कट करें तो दोनों साइड इक्वल लोड हो और दोनों साइड सपोर्ट कंडीशन और स्पैन की लेंथ भी सेम हो, तो रिएक्शन निकालना बहुत सिंपल है, जो टोटल लोड है उसका हाफ हाफ कर दो, तो टोटल लोड कितना है 10 किलो न्यूटन, तो ये हो गया आपका 5 किलो न्यूटन, रिएक्शन आर ए पे और आर बी पर जो सपोर्ट पे आ रही है। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या होता है, कैसे बनाते हैं, जो आर ए पे रिएक्शन है उसको हम सीधा खींचेंगे एक लाइन, अब वो आपका 5 किलो न्यूटन की है लाइन, अब वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे आपकी ये माइनस हो जाती है और ये 5 किलो न्यूटन यहाँ पे है, ठीक है, ये शियर फोर्स डायग्राम। अगर हम बात करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तो वो इस तरीके से बनेगा, 5 × 2.5 यानी कि बेंडिंग मोमेंट होगा 12.5 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन मीटर। तो मैं कहना चाह रहा सर हूं कि एक सिंपल, हाँ सर जो ये मतलब हम बीम पे जो लोड लगाते हैं वो सर प्रैक्टिकली लोड कौन सा होता है ये? अच्छा, एक चीज अभी बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने शियर फोर्स डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया है, इसको सही करके फिर मैं बताता हूँ। ये 5 किलो न्यूटन है क्योंकि हमारे पास पॉइंट लोड है, तो स्ट्रेट जाएगा वो, ऐसे जाके ऐसे बनेगा, 5 किलो न्यूटन। हाँ, आज तक हमने बुक्स में यही चीजें पढ़ी हुई हैं कि एक बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड लगाया, उस पर यूडीएल लगाया, उस पर यूवीएल लगाया, प्रैक्टिकली इसको समझना है ना? तो प्रैक्टिकली आप इस तरीके से समझो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था इसका, कि जो ट्रांसफार्मर होता है इलेक्ट्रिक बिजली का, वो हर सेक्टर में, कॉलोनी में होता है, वो कैसे रखा होता है, दो स्टील के कॉलम होते हैं, बीच में एक बीम होता है, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर रखा होता है, वो ट्रांसफार्मर का जो वेट होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, ऐसे पॉइंट लोड पी, और ये बीम इन कॉलम से कनेक्ट है, तो इसकी वजह से इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन हम जो मैथमेटिकली जब चीजें को सॉल्व करते हैं तो हम बिल्कुल ही एक पॉइंट मान लेते हैं, है ना, बिल्कुल ही पॉइंट लोड, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बहुत कम है, ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है,
लेकिन उसके रिजल्ट सेम आते हैं अगर एरिया कंपेयर टू द लेंथ बहुत कम है। जैसे कि इस एग्जांपल में बीम की लेंथ काफी ज्यादा है और उस पर एक ट्रांसफार्मर रखा, तो एज ए पॉइंट लोड हम इसको एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरे लोड की, यूडीएल, यूनिफॉर्म लोड हम बीम के ऊपर इस तरीके से लगाते हैं, है ना, और किसी भी बीम के ऊपर ही वॉल बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये एक बीम है, इसके ऊपर जो वॉल बनेगी उस वॉल का जो वेट होगा वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बीम के ऊपर, वो फॉर्म होगी आपकी यूडीएल। ये वॉल है, तो इस वॉल का जो लोड होगा इस बीम के ऊपर वो यूडीएल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अलग अलग तरह के लोड हैं, जरूरी नहीं है वो सारे लोड हमारे बिल्डिंग में लगते हों, बिल्डिंग में तो यूनिफॉर्म लोड ही लगते हैं ज़्यादातर, लेकिन कोई अलग स्ट्रक्चर होता है, कोई टावर, फैक्ट्री, वहाँ पे यूवीएल यूडीएल मशीन कहाँ रखी हुई है, वाटर टैंक है उस पर अलग तरीके का लोड लगता है, तो अलग अलग तरीके के लोड लगते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, सिंपल सपोर्टेड बीम हम उस बीम को बोलते हैं जिसकी एक एंड होता है पिन सपोर्ट, दूसरा एंड होता है रोलर सपोर्ट, उसके सेंटर पे एक लोड लगा हुआ है, एक्सटर्नल लोड है ये, जैसे कि कोई मशीन रखी हुई है 10 किलो न्यूटन की, उसकी वजह से इसके अंदर क्या क्या जनरेट हो रहा है इस बीम के अंदर। एक तो इसके सपोर्ट पे रिएक्शन जनरेट हो रही है, वो टोटल लोड की हाफ हाफ होगी, 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। इसकी वजह से एक शीयर फोर्स जनरेट हो रहा है जो मैंने नीचे डायग्राम बना दिया है, और उसकी वजह से एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये मैंने बना दिया है। तो ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस तीन तरह की डेवलप हुई इसके अंदर, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन और शियर फोर्स। मैनुअली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक दिन में एक क्लास में, आज नेट की कमी है, एक क्लास में आपको मैनुअली भी बताऊंगा कि बहुत इजी तरीका है ये सब बनाने का डायग्राम, ठीक है। तो मैनुअली हमने ये कर लिया, अब यही चीज हमें स्टैट प्रो से करनी है, यही रिजल्ट आने चाहिए हमारे स्टैट प्रो से। बट इसमें एक चीज है कि जो मैंने ये जो एनालिसिस किया है अभी यहाँ पे मैनुअली, इसमें मुझे बीम की मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और ना ही मेरे को क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ी है। लेकिन स्टैट बिना मटेरियल क्रॉस सेक्शन के एनालाइज नहीं करता किसी भी चीज को, तो हमें ये देना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसे स्टैट में करते हैं, फिर रिजल्ट को मैच कराते हैं। पांच मीटर का बीम है, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस डे 3, नेक्स्ट फिनिश। अब जैसे कि न्यू प्रोजेक्ट करते के साथ ही ग्रिड आई और पांच मीटर का बीम चाहिए, तो इस टाइम पे मैं सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होगा बनाने का, जीरो पे क्लिक किया, पांच पे क्लिक किया, ग्रिड को क्लोज कर दिया, है ना। अगर एक सिंपल एक लाइन बनानी है तो ग्रिड सबसे इजी है, और इसको क्यूब से सीधा कर लिया। यहां येलो क्यूब से इसको सीधा कर लिया। एक पॉइंट पे क्या लगना है, पिन सपोर्ट, दूसरी पॉइंट पे रोलर सपोर्ट। उसके लिए हमें कहां जाना होता था, ज्योमेट्री जनरल में, जनरल के बाद उसके बगल में आता है सपोर्ट, इस पे क्लिक करते हैं, तो इस पे क्लिक करते के साथ ही प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे हम पहले से एक नो सपोर्ट है, तो एक क्रिएट करते हैं न्यू सपोर्ट पिन और इसको ऐड कर लेते हैं। दोबारा से क्रिएट पे जाते हैं, और रोलर के लिए हम बनाते थे फिक्स बट में FX FY FY को छोड़ के सब पे टिक करते थे याद हो तो, और ऐड पे क्लिक करते थे, तो ये बन गई रोलर। तो फर्स्ट सपोर्ट पे क्लिक किया, जॉइंट को सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया। सेकेंड सपोर्ट पे क्लिक किया, जॉइंट को सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया। तो ये 5 मीटर का बीम बन चुका है जिसपे दोनों तरह की सपोर्ट लग चुकी हैं। अब है हमारे पास लोड और मटेरियल और क्रॉस सेक्शन, तीन चीजें, मटेरियल, क्रॉस सेक्शन, लोड। इन तीन चीजों को अप्लाई करने के बाद ही हमारा एनालिसिस हो पाएगा, ठीक है। इन तीनों में से मैंने कुछ नहीं बताया, तो ये तीन चीज आज नहीं है, फिर आप घर पे प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल अभी हम इसको कंक्रीट देंगे, ठीक है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपने जनरल पे क्लिक किया था तो सपोर्ट आ गया था, सपोर्ट के ऊपर ही आता है प्रॉपर्टी, और जैसी प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे तो इधर आपका यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी। तो मैं प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टी पे क्लिक करते यहाँ पे सेटिंग आ गई। अब आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिफाइन, यहाँ डिफाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन पे क्लिक करता हूँ, डिफाइन, जैसी डिफाइन पे क्लिक किया ये विंडो आ गई। अब इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन है जो आगे आगे आपको बताए जाएंगे, ये अरे ऑप्शन। लेकिन अभी मैंने कहा है कि जो बीम है, बीम की लेंथ क्या है 5 मीटर, लेकिन इसका एक क्रॉस सेक्शन भी होगा, है ना। क्रॉस सेक्शन बता देता हूँ, क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं हम, ये सिंपल बीम है, इसका डेप्थ होगी कुछ बीम की, और 3D में आप देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन होगा इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी हो गई डेप्थ और ये हो गई इसकी विड्थ, तो ये क्रॉस सेक्शन हमें इसको देना है, ठीक है। तो मैंने यहां पे रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, इसमें YD बोलते हैं डेप्थ को, ZD बोलते हैं विड्थ को। तो मिनिमम आपको याद होगा मैंने बताया था कि मिनिमम कॉलम और बीम का साइज लेके क्या चलते हैं, 0.23, 230 mm लेके चल रहा हूँ मैं स्क्वायर लेके। और यहाँ पे मटेरियल कंक्रीट है सिलेक्ट, जैसे ही मैं इसको ऐड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, फिर इस प्रॉपर्टी को सेम एज सपोर्ट आपको बीम के ऊपर अप्लाई करना होगा, ठीक है। अभी इसको मैं ऐड कर देता हूं तो आप देखना, इसके बाद डाउट पूछ लेंगे जो होगा। देखो ऐड करते ही इसे क्लोज करता हूं तो यहां पे ये आ चुका है, यहां पे प्रॉपर्टी आ चुकी है, इस प्रॉपर्टी को इस बीम को देना है। वही 4 ऑप्शन है जो आपके सपोर्ट में थे, तो मैंने बीम को सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया। जैसे ही मैं असाइन करूंगा तो ये सारा मैं मिटा देता हूँ और ये भी यूनिट हटाता हूँ, तो आपको एक चीज दिखाई देगी इसमें। देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है R1 और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है reference 1, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा रहा है कि reference 1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस बीम को मिल चुकी है। अब मैंने आपको कहा था कि हम बीम को इसके साइज के साथ देख सकते हैं, तो वो कैसे देखते हैं, एक तरीका तो ये है, यहाँ पे पिरामिड छपा हुआ है, पिरामिड आइकन, एक मिनट मैग्नीफाई कर देता हूँ इसको। ये आइकन जो है आपका पिरामिड का, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो आपको बीम आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मैंने इस कोरल से जूम किया, ये इसका क्रॉस सेक्शन है 230 बाय 230 और लेंथ क्या है इसकी 5 मीटर। ये प्रॉपर्टी देखने के डालने के बाद ही आया है, प्रॉपर्टी अगर नहीं डालते तो ये सिंपल एक लाइन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्क्रीन पे ही देखना है तो राइट क्लिक स्ट्रक्चर डायग्राम और यहाँ पे फुल सेक्शन, देखो आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं ये रहा। लेकिन जैसे हम कुछ भी नया करते हैं इसमें दोबारा से वैसे ही पहुंच जाता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3D में आप देख सकते हो कभी भी, लेकिन काम करते वक्त वो क्या होगा, सिंगल 2D में सिंगल एक लाइन होगी। तो प्रॉपर्टी मिल चुकी है, तो प्रॉपर्टी जब हमने दी तो प्रॉपर्टी के अंदर ही आ रहा था मटेरियल देना, ये रहा मटेरियल यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी और मटेरियल हो चुका है। अब बात आती है लोड की, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोड के बारे में समझाना है। लोड होते क्या है, सबसे पहले लोड कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड, ठीक है। अभी मैं सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा कि सॉफ्टवेयर में क्या दिया हुआ है, अभी मैं IS कोड की बात कर रहा हूं। IS कोड में होता है एक डेड लोड,
एक होता है लाइव लोड, इन सबको समझाऊंगा, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, या पहले हम बात करेंगे विंड लोड की। विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, अर्थक्वेक लोड, अभी बस इन चार पांच लोडों की बात करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा लोड होते हैं। डेड लोड वो होते हैं जो आपके परमानेंट है, ठीक है, जो एक बार फिक्स है, जैसे कि घरों में वॉल का लोड, घर में कोई ऐसी चीज जो फिक्स है। कौन सी चीज फिक्स है? उस घर के खुद के एलिमेंट, यानी कि उनका जो खुद का सेल्फ वेट होगा, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, वॉल का, वो उनका जो सेल्फ वेट होगा वो क्या आएगा? डेड लोड। और डेड लोड के बारे में और जानना है, इसकी गाइडलाइन है आपकी IS, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में 875, अभी जो एक UPSC का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, अभी जो हुआ है लास्ट संडे को, AE का, असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग था, मैच करना था IS कोड को। तो डेड लोड के लिए IS 875 पार्ट वन, लाइव लोड के लिए पार्ट टू। लाइव लोड वो होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, जैसे कि घर में सोफा खिसकता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं होता, उसको बोलते हैं लाइव लोड, ठीक है। विंड लोड, विंड का लोड, ये पार्ट थ्री में है आपका IS 875 पार्ट थ्री में। स्नो लोड, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, घर में बर्फ आती है, उसको बोलते हैं हम स्नो लोड पार्ट फोर में। अर्थक्वेक जब आता है उसकी वजह से क्या हमारे स्ट्रक्चर पे लोडिंग एक्स्ट्रा बढ़ती है, उसकी गाइडलाइन के लिए आपके पास है 1893 2002। तो ये जो पांच लोड है ना, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया लास्ट संडे को UPSC का असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल का जो क्वेश्चन पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग, IS कोड थे और ये लोड लिखे हुए थे और मैच करना था यही वाले सारे लोड। तो ये तो हो गए आपके IS कोड के बुक के अकॉर्डिंग लोड, ठीक है। यही लोड आपके स्टैट प्रो में भी होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और समझानी है मुझे, पैटर्न ऑफ लोड। ये है टाइप ऑफ लोड, अब बताना है मुझे पैटर्न ऑफ लोड। पैटर्न, पैटर्न में आता है जैसे कि पॉइंट लोड, PL पॉइंट लोड, जैसे कि अभी हमारा जो करंट हम बीम सॉल्व कर रहे हैं उसमें पॉइंट लोड लगा हुआ है। दूसरा आता है हमारा UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा आता है UVL, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। फोर्थ आता है एरिया लोड। फिफ्थ आता है प्रेशर। सिक्स आता है लैटरल लोड, और भी लोड आते हैं जब मैं आगे बताएंगे। ये सब है पैटर्न। पॉइंट लोड का मतलब है कहीं भी पॉइंट लग रहा है, UDL का मतलब है पूरा यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, UVL का मतलब इस फॉर्म में लग रहा है ना। तो ये सारे लोड डेड के अंदर भी आ सकते हैं, ये सारे लोड आपके किसके अंदर आ सकते हैं? लाइव के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि लोड टाइप के हर एक के अंदर ही किसी भी टाइप का लोड आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अभी आपको बीम की प्रॉब्लम करा रहा हूँ, इसमें जो 10 किलो न्यूटन लोड है, इसको मान लो आप ये आपका डेड लोड है, और इसका पैटर्न कैसा है? पॉइंट लोड। तो इस बीम के ऊपर डेड लोड है टाइप, और पैटर्न कौन सा है? पॉइंट लोड, ठीक है। अब इसको स्टैट प्रो में लगाना है, तो स्टैट प्रो में भी पहले क्या बनाना होगा? टाइप, लोड का टाइप क्या है? तो हमने एज्यूम किया डेड, तो पहले स्टैट प्रो के अंदर बनाना होगा डेड लोड। फिर डेड लोड के अंदर क्या बनाना होगा, कौन सा पैटर्न? पॉइंट लोड। तो इसके लिए भी आपको देखो यहाँ पे इसी जनरल के अंदर आपने सपोर्ट भी यूज कर ली, प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, इसी में आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन है लोड एंड डेफिनेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते के साथ ही आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसके अंदर इसको जूम कर लेता हूँ, जब ही समझ में आएगा। लोड एंड डेफिनेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये चीजें आई है, इसके अंदर जो बीच वाला आपका लोड केस, इसको बोलते हैं लोड टाइप। जो आपको डेड लोड बनाना है, लाइव लोड बनाना है, स्नो लोड बनाना है, विंड लोड बनाना है, अर्थक्वेक लोड बनाना है, जिस भी लोड का टाइप बनाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और नीचे है ऐड बटन। ऐड बटन पर क्लिक करूंगा तो एक विंडो आएगी, ये आ गई।
इस विंडो में या प्राइमरी ही रहेगा, ये सारी चीज बाद में बताऊंगा। पहला लोड है लोड वन, और टाइप क्या है इसका, डेड। उसका टाइटल भी आप क्या डालोगे, डेड लोड, ठीक है। और इसको ऐड कर दोगे, और जैसे ही आप ऐड करके क्लोज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेड लोड। तो हमने टाइप बना लिया, जो हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम है उस पर जो 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड रख रहा है उसको हमने क्या एज्यूम किया है, किस टाइप का लोड है, वो डेड का। अब डेड के अंदर एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो अब डेड पे क्लिक करूंगा मैं और ऐड करूंगा। जूम कम करते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे आपको जाना है मेंबर लोड के बाद। मेंबर लोड पे क्यों जाना है, ये एक बीम है जिसके एंड्स पे एक ब्लैक कलर की डॉट है जिसको हम नोड बोलते हैं, याद हो आपको, इसको बोलते हैं हम नोड, और इस बीच वाले को बोलते थे मेंबर। अभी जो पॉइंट लोड लग रहा है वो किस पे लग रहा है, मेंबर पे, इसलिए हम यहाँ पे किस में जाएंगे, मेंबर लोड में। तो यहाँ पे मैं मेंबर लोड में गया, मेंबर लोड को जैसे ही ओपन किया तो उसके अंदर बहुत सारे लोड आ गए। इसके अंदर यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म मूवमेंट, कंसंट्रेटेड फोर्स, कंसंट्रेटेड मूवमेंट, लीनियर बेयरिंग, ट्रेपोजाइडल, हाइड्रोस्टैटिक, प्री पोस्ट, फिक्स एंड। पर हमें चाहिए पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को एक और नाम से जाना जाता है, कंसंट्रेटेड फोर्स। तो मैं कंसंट्रेटेड फोर्स पर क्लिक करूंगा, ये आ गया। इसमें लोड की वैल्यू, क्योंकि लोड हमारा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लगता है, और इंटेंसिटी कितनी है, 10। तो यहाँ पे मैं डालूंगा पी की वैल्यू में -10। और अभी इन चीज़ों को भूल जाओ आप, ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें बाद में बताऊंगा क्या है, जब दूसरी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। अभी -10 करके ऐड कर देना है बस, क्लोज। जैसे ही आप -10 करके ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डेड लोड के अंदर एक आपका पॉइंट लोड आ गया है, और वो अभी बीम पे नहीं लगा है। यहाँ पे देखो आप, ये रहा डेड लोड के अंदर एक CON का मतलब है कंसंट्रेटेड GY डायरेक्शन में माइनस माने डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन। ये इसके आगे क्वेश्चन मार्क है रेड कलर का, क्योंकि ये यहाँ पर तो आ गया है पर ये बीम पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो वही सेम एज सपोर्ट की तरह बीम पे अप्लाई करना है। बीम को सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे लोड लग चुका है, ठीक है। एक सेकेंड नोट, ठीक है। तो पॉइंट लोड लग चुका है, ठीक है। इसका एरो बहुत ऊपर जा रहा है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा एरो को कैसे छोटा करना है, ठीक है। तो पॉइंट लोड लग चुका है, अब केवल एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस से पहले एक स्टेप और होता है, एक छोटे से बीम पे 5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, उसको एनालिसिस करने के लिए कितने सारे स्टेप मैं बता चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इसके मैं बहुत सारे प्रॉब्लम करवाऊंगा आगे की क्लास में, जिससे आपको रट जाए, ठीक है। बहुत सारे स्टेप हो गए हैं मुझे लग रहा है। तो अब इसको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा एनालिसिस एंड प्रिंट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड कर देना है बस। एनालिसिस एंड प्रिंट पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। ये सारे ऑप्शन आगे फ्यूचर में मैं बताऊंगा आपको ये क्या है, अभी नो प्रिंट क्यों है, ठीक है। अभी बस आपको क्लिक कर देना है ऐड पे, क्योंकि अभी हमें रिजल्ट देखने हैं, बस क्लोज। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका है रन एनालिसिस, और यहाँ पे रन एनालिसिस कर देना है। सेव के लिए पूछेगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखना है कि कोई एरर लिखा नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एरर 0 है, बस वार्निंग भले ही आ जाए, डन। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ बीम पे, और यहाँ पे जाता हूँ शीयर बेंडिंग के टैब में, तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट 12.5 किलोन्यूटन, जो हमारे रिजल्ट से मैच हो रही है।
कितना आ रहा था 12.5 नेगेटिव, इसलिए क्योंकि डायग्राम नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्लिक करता हूँ शियर, शियर फोर्स पे वाई डायरेक्शन में। तो देखो ये शियर फोर्स डायग्राम है 5 किलोन्यूटन, क्या हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऐसा ही बन रहा था? ये देखो ऐसा ही बन रहा था। ठीक है, अब हम जाते हैं रिएक्शन पे। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होंगी FY 5 किलोन्यूटन, ये रही दोनों एंड पे। ठीक है, और आप डिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, लोकल में। देखो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, -5.142 mm सेंटर पे, ये डिफ्लेक्शन प्रोफाइल है। ठीक है, तो काफ़ी स्टेप हो गए हैं, प्रैक्टिस करेंगे और मैं बहुत सारे प्रॉब्लम कराऊंगा अलग अलग लोडिंग की, अलग अलग टाइप की बीम की। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि आज मेरे पास डाटा कम है तो जल्दी क्लास करनी है। सही परफॉर्मेंस एनालाइज के बाद एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, आप स्टैट प्रो में कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, कोई भी बिल्डिंग बनाओ, एनालिसिस करने के लिए आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एनालिसिस एंड प्रिंट पे एक बार, एक ही बार करना है, हर बार नहीं करना, कि आप जब भी एनालिसिस करोगे तो हर बार। अब मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, बस लाइफ में एक ही बार करना है एक प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे मेरे को करना है एनालिसिस एंड प्रिंट पे क्लिक, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है, बस क्लोज। और फिर मुझे जाना है यहाँ पे, ये है आपका एनालिसिस, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है रन एनालिसिस, इस पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि एरर 0 आना चाहिए, अगर 0 एरर आ रहे हैं तो बस डन कर दो उसको, उसके बाद रिजल्ट देखने। अब जैसे कि मैंने मॉडलिंग के बहुत सारे तरीके बताए, रिजल्ट देखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैं सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ कि आपको इस पर डबल क्लिक करना है बस। डबल क्लिक करने के बाद इसमें एक विंडो खुल जाएगी, उसमें टैब्स होंगे। पहला टैब है ज्योमेट्री का, जो ज्योमेट्री दिखाता है इसकी, देखो इसकी डेप्थ कितनी है 230 mm, लेंथ कितनी है 5 मीटर। दूसरा टैब है प्रॉपर्टी, इसको हमने क्या सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सेक्शन का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तीसरा टैब है वो बताता है हमने क्या लोडिंग लगाई हुई है, तो हम यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने 10 किलोन्यूटन का लोड लगाया है जो डेड लोड में आता है। ठीक है, फिर आता है शियर बेंडिंग, जिसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बताता है। ये रहा बेंडिंग मूवमेंट, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर फोर्स वर्टिकल है वाई डायरेक्शन में, अगर फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में है तो मूवमेंट जो जनरेट होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी। ठीक, क्यों होगी उसको मैं बताऊंगा बाद में, उसके लिए मेरे को कैमरा ऑन करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली हाथों से बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेंडिंग जेड सेलेक्ट है, अगर मैं बेंडिंग वाई सेलेक्ट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में डाउनवर्ड जो -12.5 किलोन्यूटन मीटर आ रहा है 2.5 पे मैक्सिमम। अब मैं अगर यहाँ पे शियर सेलेक्ट करता हूँ, अब शियर फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में शियर फोर्स आएगा, तो शियर वाई, ये शियर फोर्स डायग्राम आ गया आपका। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्ट और भी चीजें हैं, डिफ्लेक्शन जैसे यहाँ पे है, अभी डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। अगर कोई बीम इस तरीके से और वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिफ्लेक्शन भी वाई में होगा, इसलिए हमें यहाँ पे जब तक हम वाई सेलेक्ट नहीं करेंगे जब तक डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं। ये वाई, वाई सेलेक्ट करते ही डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये जो रिजल्ट है ये काफी तरह से देख सकते हैं हम, टेक्स्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे ही डायरेक्ट डायग्राम बन जाएगा जो आगे जाके हम आगे की प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको ना ये प्रॉब्लम दो एक बार वीडियो देख देख के ना इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ गई है, मटेरियल भी आ गया, क्रॉस सेक्शन भी आ गया है इसमें, ये सब आपको देखना है। आप बताओ किसी और को कोई डाउट? नो सर, जो आप बुक में करते हो ना एनालिसिस रिएक्शन निकालने के लिए, रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करते हो, पहले एक इक्वेशन बनाते हो आर ए प्लस आर बी, फिर मूवमेंट लेते हो एक पे, वही सब ये भी करता है। जब एनालिसिस करते हैं ना, जब हम एनालिसिस करते हैं और ये जो प्रोसेसिंग होती है ये वही सब कैलकुलेशन है। ठीक है, उसी कैलकुलेशन करके रिजल्ट निकालता है।
तो मैं कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर भी फॉर्मूले लगाता है, बस सॉफ्टवेयर से की गई चीज करेक्ट है या नहीं है वो एक आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। मुझे पता है कि 10 किलोन्यूटन फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन 5-5 होगी, लेकिन आप कुछ भी गलती कर दोगे तो रिएक्शन जनरेट कर ही देगा, लेकिन वो रिएक्शन सही है या नहीं है, बेंडिंग मोमेंट सही है या नहीं है, उसको वो एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज से आता है। सॉफ्टवेयर तो अपना फॉर्मूला लगा के कर देता है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे पिन सपोर्ट भी लगा दूँ या फिक्स सपोर्ट लगा दूँ तब भी रिजल्ट आएगा ही आएगा, मटेरियल में कुछ और दे दूँ स्टील दे दूँ तब भी रिजल्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो इन चीज़ों का कि जो आप इनपुट दे रहे हो इसको उसका आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना गलती होने के चांस है। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है और एक ये वाली करनी है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है करने के बाद। एक सिंपल सपोर्टेड बीम नहीं है, ये वाला है फिक्स बीम। फिक्स बीम का जो सपोर्ट का वो होता है सिंबल ऐसे होता है बुक्स में। तो जैसे मैंने एक एंड पे लगाई थी पिन, एक एंड पे लगाई थी रोलर, आपको क्या लगानी है, फिक्स सपोर्ट लगानी है दोनों एंड पे, ठीक है। इस बीम की जो लेंथ है वो है 7.5, नहीं 7.5 नहीं है, इस बीम की लेंथ है 11.75 मीटर। इस पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 9.2 किलो न्यूटन। कुछ भी अलग नहीं है, सपोर्ट चेंज करिए, सपोर्ट लगानी आपको आती है, एक बता चुका हूँ क्लास में, ठीक है, वो भी सेंटर में। ये 11.5 का हाथ कर लेना, हाफ कर लेना। इसका जो मटेरियल है वो कंक्रीट है, क्रॉस सेक्शन जो है इसकी जो डेप्थ है वो है 300 mm और इसकी जो विड्थ है वो है 250 mm, ठीक है। मैंने क्रॉस सेक्शन की वैल्यू चेंज कर दी है, मटेरियल वही है, लोड की वैल्यू चेंज की है, स्पैन की लेंथ चेंज की है और मैंने सपोर्ट चेंज किया है। इसको सॉल्व करके आपको इसका स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे को, इसके बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लेना जो, ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट अब भी पूछना हो तो बताओ, वरना फिर हम लीव करते हैं। सर, एक क्वेश्चन में दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट है ना? हाँ, इसमें दोनों तरफ फिक्स है, ओके ये रही क्रॉस सेक्शन डेप्थ जो है 200 300 है और विड्थ हमेशा 250 mm है। मटेरियल कंक्रीट है, 9.2 जो किलोमीटर लग रहा है वो सेंटर में लग रहा है बीम के। अब आपको इसको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आपको निकालना है इसका। वैल्यू सर ठीक है, मैं और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना ये भी आपको शायद लेट मिले, क्योंकि मैंने कहा इंटरनेट नहीं चल रहा है तो अपलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए, तो मैं भी लेट मिले आपको, जब नेट जैसे मेरा ठीक होता है या कल को मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो क्लास को यहीं लीव करते हैं, अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है।